और कहां मिलेगा ये जफर? कौन है आप? जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। इन आंखों में और से देख। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। ना तो इनमें मरने का काम है, ना मौत का खौफ। कब होगी फिल्म की शूटिंग? स्टार राजकुमार ने किस जगह को चुना है शूटिंग के लिए? क्या है इस कहानी के इंटरेस्टिंग फैक्ट? एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल मूवी इन्फो चैनल में। जब से फैन को सलमान की आने वाली ब्लैक टाइगर के बारे में पता चला है, तभी फैंस को की को लेकर बढ़ती ही जा रही है बेचैनी उनकी। वो एक सच्ची घटना पर नदे जिसे इंदिरा गांधी के द्वारा किया था, जिसका रावण कौशल पर बनाई जाने वाली है, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी और पाकिस्तान पर ख़त्म हुई थी। इन्हीं घटना को दिखाया जाने वाले हैं मूवीज में। सलमान की बाकी फिल्मों की वजह से इसको अंतर में शुरू किया जाएगा साल के। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म है। फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी रेडी हो गया, राजस्थान से दिखाई जाएगी, जहाँ पर रविंदर का जन्म हुआ था, जहाँ उन्होंने अपना आधा जिंदगी गुजारी थी, जहाँ वो पले बड़े हैं। फिल्म इसलिए रियल देखे, सारे सीन को नेचुरल दिखाने की कोशिश की जाएगी। कुछ हिस्सों की शूटिंग कश्मीर में भी की, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान इंडिया आतंकवाद फैलाने के लिए कोशिश करता है, जब उसकी दिल्ली में भी दिखाई जाएगी। भारत देश के सभी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हैं। आपको बता दें कि कहानी के अंदर कई ज़्यादा टॉर्चर सीन को दिखाया जाएगा, ऐसे सीन जो आज से पहले कभी हिंदुस्तानी फिल्मों में नहीं दिखाए गए। वहीं हम आपको बता दें कि इसमें लाहौर का सेट भी बनाया जाएगा, फिल्मी सीन काफ़ी नेचुरल लग सके। पाकिस्तान के शूट को तब दिखाया जाएगा जब सलमान वहाँ जाकर उनकी आर्मी को ज्वाइन करते हैं। सलमान का जो ज़बरदस्त दिखने वाला है, इसलिए कहानी में ट्विस्ट आएगा। फिल्म में यामी की एंट्री, यामी इस फिल्म में पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाते हुए दिखेंगी। वो सलमान से शादी करते हुए दिखाई देती, वो एक खूबसूरत अदाकारा है। ऑडियन उन पर एक सिंपल लड़की की होगी जो सलमान से बहुत प्यार करते हुए दिखेगी। समय आने पर उनका भी एक एक्शन रूप देखने को मिलेगा। फिल्म में सलमान यहाँ को थोड़े टेक्निक सिखाते हुए दिखाई देंगे, आने वाले खतरों से वो लड़ सके। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार ने इस कहानी को लेकर 5 सालों तक सर्च किया था और अब उन्हें सारी जानकारी मिल चुकी है। विलन के किरदार की चर्चा भी चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। क्या आप सलमान खान के ब्लैक टाइगर फिल्म को भी देखना पसंद करेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा चैनल देख रहे हैं मूवी इन्फो चैनल।